कोरोना वायरस की मार देश का गरीब असहाय मजदूर झेल रहा है। हालांकि उनकी सहायता के लिए तमाम समाज सेवी भी आगे आए हैं। इसी कड़ी में समस्तीपुर के समाज सेवी सत्यनारायण सिंह कुशवाहा ने भी गरीब असहाय मजदूरों के बीच जरूरत की सामग्री का वितरण किया है। इसके साथ साथ कई इलाकों को सैनिटाइज भी करवा रही है। HBN के संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की, देखिए। कुमार और आप देख रहे हैं HBN न्यूज। देश इस वक्त कोरोना वैश्विक महामारी से पूरी तरह से परेशान है। इसमें कितने का जान जा चुका है, इससे कितने संक्रमित हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से देश का जो स्थिति अभी है काफ़ी ख़राब है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित इस कोरोना वैश्विक महामारी से अगर परेशान हुआ है तो गरीब मजदूर असहाय हैं, जो काफ़ी परेशान हुए हैं। तो इस सब चीज़ को देखते हुए कई संस्था, कई समाज सेवी भी आगे आकर के गरीब मजदूर तक पहुँचे हैं, उन तक खाने का सामान पहुँचाए हैं, गली मोहल्ले में सैनिटाइज करवाए हैं, दवा वितरण किए हैं। तो इसी में एक समाज सेवी हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं, जन जन तक जाकर के अपने राहत कोष से वो लोगों को सेवा कर रहे हैं, भोजन पहुंचा रहे हैं। और वो शख्स जिनका नाम है श्री सत्यनारायण सिंह कुशवाहा, मैं अभी उनके आवास पे हूँ। आइए हम उनसे मिल करके उनसे कुछ बातें करते हैं। सर, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आपको SBN चैनल पे। जैसे आपको और HBN न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो गांव-गांव और गली गली जा करके ज़मीनी स्तर से आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। तो सर, मैं आपसे कुछ बात कर लेना चाहूँगा। अभी जो स्थिति है देश का, जो देश का हालात है, कोरोना से पूरी तरह से देश, दुनिया पूरी तरह से परेशान है, क्या कहना चाहेंगे कोरोना के बारे में? ये तो विश्व महामारी है, और विश्व महामारी में हम लोग को सभी आदमी को, एक एक आदमी को जिम्मेवारी बनता है, जो हम लोग सभी आदमी मिल करके इस महामारी को हराने में एक एक आदमी बहुत परिश्रम करके हरा सकते हैं इसको। और हम लोगों से अपील करेंगे जो अपने जो फिजिकल डिस्टेंस है उसको बनाए रखें, और अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। और हम लोग पहले से बहुत मेहनत किए हुए थे, इसके चलते हम लोग का क्षेत्र बचा हुआ था, लेकिन कुछ दिल्ली से एक आदमी आए, इसके चलते हम लोग का क्षेत्र में एक पेशेंट निकल गया है। और हम लोग सभी आदमी से आग्रह करेंगे कि सब आदमी जितना हो सके बन सके अपना घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो सर, अभी जो कोरोना महामारी, इसमें ज़्यादातर गरीब मजदूर परेशान हैं, और इसके बीच आप करके आप जाते हैं गली मोहल्ले में जाकर के और लोगों तक जो राहत सामग्री है उसको पहुंचाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ ये महामारी है, महामारी में हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लोग जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, उनके पास जा करके जो मदद बन पड़ सकता है उसको करते हैं। और हम लोग महामारी में सबसे पहले तो हम लोग को बचाव, जिस चीज़ से बचाव होना चाहिए उस चीज़ को करना चाहिए। तो हम लोग हर एक गांव में जाके छिड़काव का काम करवा रहे हैं, जो कि इससे बचने का उपाय है। और मास्क और सैनिटाइज देके लोगों को समझा रहे हैं, जो अपने बचिए और लोगों को बचाइए, अपने अगल बगल को आप बचा के रखिएगा तो आप खुद भी बच के रहिएगा। अभी जो है आपके तरफ से क्या क्या जो वितरण हो रहा है, क्या क्या करवा रहे हैं? हम सैनिटाइज का काम करवा रहे हैं, और मास्क और साबुन वितरण कर रहे हैं। जो सबसे देखिए, सबसे पहले हम लोग मजदूर और किसान का पूरे समस्तीपुर बिहार हैं, तो यहाँ पर मैं सरकार के द्वारा जो भी अनाज दिया जा रहा है, गेहूं और चावल दिया जा रहा है, और सुनने में आया है जो दाल भी दिया जाएगा, लेकिन दाल अभी तक किसी कोई भी आदमी को मिला नहीं है। और हम लोग जहाँ पर में जो राशन कार्ड से वंचित हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको हम लोग मदद कर रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं है जो बोलते हैं जो नहीं पूरा कर रहे हैं और करें कुछ नहीं, वैसा नहीं। जो आदमी पूरे वंचित हैं उनको हम लोग मदद कर रहे हैं। और सबसे पहले में यहाँ किसान मजदूर हैं, यहाँ पर में हम लोग दुनिया को खाना खिलाते हैं, तो हम लोग को खाने का उतना दिक्कत नहीं होगा। तो आप जो है अपने स्तर से जो गरीब मजदूर का खाना पहुंचाते हैं?
खाना नहीं, खाने का सामग्री, खाना का, खाने का सामग्री, कच्चा राशन आपको पहुँचा। अच्छा अच्छा, तो अभी तो सरकार जो गरीब मजदूर को राशन दे रही है, राशन के साथ साथ 1,000 रुपया भी दे रही है। अब वो 1,000 रुपया जो दे दिया है, कुछ लोगों को दिया है सरकार, तो 1,000 रुपया से गरीब मजदूर का जिंदगी कब तक चलेगा? जब लॉकडाउन का सारा सीमा बढ़ता ही जा रहा है, तो 1,000 रुपया जो सरकार दे रही है, उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, 1,000 रुपया जो राशन और 1,000 रुपया मिल रहा है, 1,000 रुपया हमको लगता है उससे तो नमक और तेल पूरा नहीं होगा, तो सब्जी कहाँ से होगा। और 1,000 रुपया में आप अभी 21 दिन के लिए सबसे पहले लगा था, उसके बाद फिर 19 दिन के लिए लग गया, फिर 14 दिन के लिए बढ़ गया। तो सबसे फर्स्ट में जो 1,000 रुपया दिए थे, लेकिन फिर दोबारा और तिबारा लगा, उसके लिए तो कुछ भी नहीं मिला। उसके लिए भी तो मिलना चाहिए लोगों को। जब पहले 21 दिन के लिए लगा तो आपको 1,000 रुपया दिए, और उस टाइम में लोगों के पास कुछ पैसा भी था, खाने का सामग्री भी था, और उसके बाद आप बढ़ाते जा रहे हैं और लोगों को पैसा दे नहीं रहे हैं, खाने का सामग्री बढ़ा नहीं रहे हैं, तो लोग कैसे जिंदा रहेगा? तो 1,000 के साथ साथ तो महिला लोग को 500 रुपया भी तो दे रही है। 500 रुपया महिला लोग को दे रहे हैं, तो उसके लिए उसमें क्या होगा? कुछ नहीं, उससे कुछ भी नहीं होगा। उन लोगों को कम से कम, हर आदमी को जो मजदूर हैं खास करके, उनको कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपया मिलना चाहिए। वो फैमिली के हिसाब से मिलना चाहिए, कार्ड के हिसाब से नहीं मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए दो आदमी का राशन कार्ड है, उसको भी 1,000 रुपया मिल रहा है, जिनको 5 आदमी का है उनको भी 1,000 रुपया मिल रहा है, 7 आदमी का उनको भी 1,000 रुपया मिल रहा है, वैसे नहीं मिलना चाहिए, व्यक्ति के बेसिस पर मिलना चाहिए पैसा। तो व्यक्ति बेसिस पर मिलना चाहिए, तो आपका कहने का मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को 10,000 रुपया मिलना चाहिए? 5,000 से 10,000 रुपया मिलना चाहिए कम से कम। अभी जो तीसरा लॉकडाउन शुरू हो गया है, तो 3 बार हो गया है, तो 2 महीना के लगभग होने जा रहा है। 2 महीना 1,000 और 500 रुपया में 2 महीना आदमी को भोजन तो नहीं चलेगा, राशन तो नहीं चलेगा 2 महीना। तो 2 महीना में जिस हिसाब से लगना चाहिए, कम से कम सब्जी और नमक खरीदने, तेल खरीदने में 5 से 10 हज़ार रुपया लगेगा कम से कम। तो 5 से 10 हज़ार रुपया सरकार को देनी चाहिए गरीब मजदूर को, जैसे आप लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से। और अभी जो मतलब कुछ गरीब मजदूर जो गए थे दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए, वो वहाँ जाकर के फंसे हुए हैं, साथ ही जो पढ़ने के लिए दूसरे राज्यों में गए थे बिहार से बाहर जो छात्र, वो वहाँ फंसे हुए हैं, और सरकार कह रही है कि हम उनको वापस ला रहे हैं और लाएंगे भी, इसके बारे में कहेंगे? देखिए, इसमें हम न सरकार में हैं न विपक्ष में हैं, इसके चलते हम दोषारोपण नहीं करेंगे, लेकिन इस विश्व महामारी है, उस विश्व महामारी में हमारा सरकार और विपक्ष सभी मिल कर काम करें, और जितना भी मजदूर हैं चाहे विद्यार्थी हैं, सभी आदमी को लाने के लिए जो प्रयास हो सकता है करके सभी आदमी को लाएं। इस विश्व महामारी कोई ज़रूरी नहीं है, जब भी 21 दिन लगा है, फिर 18 दिन लगा है, फिर 14 दिन लगा है, हो सकता है ये आगे भी बढ़ सकता है। अपने घर में रहेंगे तो यहाँ जो भी मिलेगा लोग खाएंगे, वहाँ पर मैं किराया देंगे कि राशन खरीदेंगे कि तेल नमक खरीदेंगे कि दूध खरीदेंगे, इसमें तो विश्व महामारी, इसमें तो खाना बहुत ज़रूरी है। अगर खाना अगर आप कम खाइएगा, विटामिन कम खाइएगा, उसमें भी बीमारी सताता है। वो अगर घर में आ जाएंगे तो जो भी यहाँ लोग खाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो गरीब मजदूर जो है जो दूसरे प्रदेशों में थे, वो तो आ रहे हैं, लेकिन आने का रफ्तार देखिए ना। अगर मान लीजिए 28 से 30 लाख लोगों को आवेदन आया है, लेकिन अभी तक 10 से 11 हज़ार आदमी को लाया गया। ये जो रफ्तार है सरकार का, इसमें तो हमको लगता है जो 6 महीना के साल भर में भी लोग नहीं घर वापस आ पाए। नहीं तो आप रफ्तार की बातें कर रहे हैं, तो रफ्तार एक ही बार में कैसे धरा दिया जाए? एक बार में आपको उतना लाख व्यक्ति को अगर बिहार में अगर लाया जा रहा है, तो फिर समस्या होगी ना। समस्या आप केवल बिहार के लिए काहे बोल रहे हैं? बिहार के लिए आप देख लीजिए, जो यूपी सरकार जो
बीजेपी सरकार, मोदी जी के सरकार जो लॉकडाउन लगाए, उन्होंने उल्लंघन करके, योगी जी ने उल्लंघन करके और अपना जितना भी मजदूर था, विद्यार्थी था, सबको बुला के लेके आ गए। लेकिन अपना जो सरकार है नीतीश जी, उनके लिए सब समस्या आगे में आ जा रहा है। लेकिन वही देखिए, जो आदमी लगाए लॉकडाउन, वो अपना सभी आदमी को कैसे एक दिन में हजारों हजार का बस भेज के सभी आदमी को लेके आ गए। अपना दिल्ली में फंसे हुए थे, कुछ आदमी को यूपी का सरकार ला के बिहार बॉर्डर में भी छोड़ दिए। तो अपना आदमी को दूसरा आदमी कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन अपना आदमी छोड़ दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब विदेश से ला करके आप पूरा इंडिया में आदमी को छोड़ दिए, बिना चेक किए हुए, बिना 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में भेजे हुए, बीमारी को फैलाने के लिए, और अपना आदमी को ला के उसको आप 14 दिन के लिए नहीं रख सकते हैं, उसका व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। व्यवस्था तो सरकार कर रही है, क्वारंटाइन अब जो है जगह जगह बना तो रही है। क्वारंटाइन सेंटर जो बना हुआ है, जितना रेशियो है हम लोग का बिहार का, उसके हिसाब में 5% भी नहीं बना हुआ। और हम लोग तो जा के देखे हैं, जितना भी क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ, न एक में भी साफ है, न मतलब पूरा गंदगी फैला हुआ है। न बोलते हैं जो नीतीश जी हम CCTV कैमरा लगाएंगे, तो ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, कुछ भी कहीं नहीं लगा हुआ है। लोग छोड़ छोड़ के वहाँ से भाग रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर से, भोजन नहीं मिल रहा है सही से। क्वारंटाइन सेंटर से जो लोग भाग रहे हैं, भागने का क्या कारण? भोजन है, मुख्य रूप से भोजन ही है। भोजन नहीं मिलेगा, आप ले जाके किसी को भी बंद करके रख दीजिएगा, भोजन नहीं मिलेगा तो खाने के लिए, तो जिंदा रहने के लिए तो कुछ भी करेगा ना। आप उसको पकड़ के मार दीजिए, चाहे कुछ कीजिए, तो खाने के लिए कहीं जाएंगे करेगा। तो अब कुछ और बात अंत में मैं कर लेना चाहूँगा। अभी जिस तरीके से आपने सरकार को देखा है कि हवाई जहाज से जो डॉक्टर है, नर्स है, सफाई कर्मचारी है, प्रशासन है, उनका मतलब हौसला बढ़ाने के लिए उनको उनके ऊपर फूल बरसाया गया है। देखिए, जो भी आदमी डॉक्टर हैं, नर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, पुलिस प्रशासन है, सभी आदमी मेहनत कर रहे हैं, उनको हम भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इस महामारी में, जो आदमी को घर में बच के रहना चाहिए था, वो लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा हम धन्यवाद देना चाहते हैं उनको, जो कि अपना बिना निजी स्वार्थ के, जो समाज के पीछे अपना तन मन धन से लगे हुए समाज को सेवा करने के लिए, वो हम उससे भी ज़्यादा उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि सफाई कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस हैं, जो भी आदमी है, उन सभी आदमी को जिम्मेवारी है। हम लोग किसान और मजदूर का पैसा से उन लोग को पेमेंट दिया जाता है, लेकिन जो अपना निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए। उनको क्या मिलना चाहिए? जो समाज सेवी है, समाज सेवा कर रहे हैं, अपने राहत खोज से वो पैसा जो खर्च कर रहे हैं, गरीब जनता के पीछे राहत सामग्री वितरण कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए? उनको प्रोत्साहन करेंगे तभी तो आगे बढ़ के काम करेंगे। प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके ऊपर ज़्यादा फूल बरसाना चाहिए, उनके ऊपर ज़्यादा सरकार को दिखाना चाहिए, जो नहीं, इन लोग जानवर के काम कर रहे हैं, हमको सहायता कर रहे हैं, उनको ज़्यादा ये करना चाहिए था। उन लोगों को, सभी आदमी को तो पेमेंट मिल रहा है, उनका तो सेवा देना काम है। समाज सेवी को हौसला बढ़ाना चाहिए सरकार, समाज सेवी को हौसला बढ़ा के उनको हौसला बढ़ाना चाहिए। नहीं तो अच्छी बात है, आपका कहना बिल्कुल सही है, होनी भी चाहिए। प्रशासन, नर्स, सफाई कर्मचारी जिस तरीके से सेवा कर रहे हैं, उसी तरह से समाज सेवी निस्वार्थ भाव से अभी इस संकट की घड़ी में सेवा करें। इसके लिए तो मैं भी सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि जो भी समाज सेवी है, उनके लिए भी थोड़ा सा हौसला बढ़ाने का काम करें। इन लोगों पे भी फूल माला जो है बरसानी चाहिए, फूल बरसानी चाहिए। अच्छी बात है आपका कहना भी, कारण कि इस समय में गरीब मजदूर तक आप समाज, आप जैसे समाज सेवी ही पहुँच रहे हैं, तो अच्छी बात है। और अब अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे आप देशवासियों को? देखिए, हम देशवासियों को और सभी आदमी को कहना चाहेंगे, देखिए विश्व महामारी है, इसमें जितना भी बन सके आप कम से कम घर से निकलिए, और जहाँ भी रहिए अपना
फिजिकल डिस्टेंस बना के रखिए और अपना जो सेफ्टी है मास्क लगा के रहिए, गमछा लगा के रहिए और बार बार साबुन से सैनिटाइज से हाथ में बार बार हर आधा घंटा एक घंटा पर लगाते रहिए और जितना हो सके एक घंटा दो घंटा पर में गर्म पानी पीना चाहिए या चाय पीना चाहिए, इससे आपको बीमारी का प्रकोप कम आएगा। तो और अंत में मैं एक बात और आपसे भी लेना चाहूँगा कि आप जो अभी समाज में जाकर के जो वितरण कर रहे हैं, चाहे खाद्य सामग्री हो, सैनिटाइज करवा रहे हैं, ये कोई फंड बाहर से आ रहा है आपको क्या? नहीं नहीं, हम कहीं फंड बाहर से नहीं आता है। हम लोग हम अपना जो भी है कमाई जो होता है उसका 25-30% हिस्सा जो है हम समाज सेवा में शुरू से दे रहे हैं और देते जा आ रहे हैं। और अभी महामारी है तो इसमें हम 25-30% नहीं देख रहे हैं, जो भी मेरे पास है हम सोचते हैं जो हमारा गांव है, जिला है, अपना देश है, जैसे भी बचे उसके पीछे जितना भी खर्च हो सके हम अपने तरफ से खर्च करके लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये अच्छी बात है। तो आपने सुना, ये थे श्री सत्यनारायण सिंह कुशवाहा जो समाजसेवी हैं और अभी इस समय में जो कोरोना वैश्विक महामारी है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हर एक व्यक्ति तक इनका प्रयास है कि पहुँचे गरीब मजदूर तक और जो भी आवश्यकता की जो वस्तु हैं वहाँ तक पहुँचाई जाए और ये पहुँचा भी रहे हैं और जगह जगह हर गली मोहल्ले में ये सैनिटाइज करवा रहे हैं। अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा योगदान है श्री सत्यनारायण सिंह कुशवाहा जो समाजसेवी है और ये समस्तीपुर बसरिया गांव की निवासी है, तो काफ़ी अच्छा योगदान इनका रहा है। तो मैं आप तमाम समाजसेवियों से भी मैं आग्रह करूंगा कि जहां तक हो सके बन पड़े आप लोग भी अपने क्षेत्र में गरीब मजदूर तक पहुँचे और उनका सेवा करें। कैमरामैन विकास के साथ मैं मुकेश कुमार, तस्वीर न्यूज़, समस्तीपुर।